नेवला कहाँ है? I'm Shivani and welcome back to my YouTube channel. So it's a new day and a new video. तो गाइस आपको मैं बताना चाहूंगी, जैसे कि आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा भी होगा, मेरा लैपटॉप बार बार ऑफ हो जा रहा था. मैं कितनी बार उसको ऑन करने की कोशिश कर रही थी, वो बहुत देर के बाद ऑन हो रहा था. तो मेन उसमें अपडेट का ही प्रॉब्लम था. उसमें दो तीन बार और अपडेट मैंने मतलब अपडेट कर रही थी, फिर से अपडेट का ऑप्शन साथ में अपडेट किया, फिर से तीन बार ऐसे अपडेट का ऑप्शन आया, मैंने उसको अपडेट कर दिया. उसके बाद अभी तक तो ऐसा कोई इशू आया नहीं है लैपटॉप के अंदर. बट हाँ, अगर ऐसा कुछ होगा तो इस बार तो मैं डेफिनेटली जाके दिखा देने वाली हूँ कि ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि बार बार लैपटॉप ऑफ हो जा रहा है. उसके अलावा गाइज मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज अभी हो रहे हैं सुबह के 9 o'clock. फिलहाल मैं जॉब के लिए निकल रही हूँ. आने के बाद देखते हैं हम दिन में क्या कुछ करते हैं. सिद्धांत अभी सो रहा है. रात को उसने मुझे बहुत तंग किया कि मासी मुझे भी लेके जाना सुबह, बट ऐसे तो अच्छा नहीं लगता ना कि मैं उसको अपने साथ स्कूल लेके जाऊँ. तो उसको मैंने होमवर्क दे दिया कि आज जितनी देर में जाऊंगी उतनी देर तू अपने होमवर्क करके रखियो, जब वो आ जाए मैं आऊंगी स्कूल से, देन आई विल चेक कि उसने कितना होमवर्क किया है. अगर उसने होमवर्क किया होगा तभी आज मैं शाम को उसको घुमाने लेके जाऊंगी, ऐसा मैंने उसको प्रॉमिस किया है. यार स्कूल से आगे इतनी गर्मी है, लिटरली यहाँ पे इतना ज्यादा टेम्परेचर हो रहा है बाहर, तो इतना मुश्किल है ना निकलना. लाइक स्कूल से घर तक आने में ना बस हो जाती है. मेरे को ये होता है कि ओ माय गॉड इतनी गर्मी कैसे निकले, बहुत बुरा. हाँ जी, तू क्यों आई आज हमारे घर? देखो आज मेरे से मिलने को, मेरे से मिलने कौन आया? रूही. अच्छा है, चाट क्यों बना दू? बोला तो मैं क्यों बना दू? मैम ने ये बोला शांति दीदी से बनवाने हैं, हैं? मेरा नाम नहीं है मैम ने. फिर अपना काम खुद करो दीदी, बना दो प्लीज. आपकी बहन नहीं हूं. नहीं आता बनाना, बहुत खराब है. अब इसको काम है ना, तो मैं आपकी बहन नहीं हूँ. और अगर इसको हम कहेंगे ना रूही मुझे चिज्जी खिला दे, मैं नहीं खिलाती है ना. क्या बनाना है इसमें? इंग्लिश का चार्ट. चलो मैं इसका चार्ट बना देती हूँ, उसके बाद फिर ट्यूशन वाले बच्चे भी आ जाएंगे, उनको भी पढ़ाने. तब तक फटाफट से हम रूही का चार्ट बनाते हैं. तो गाइस एक चार्ट तो ये बनाया जिसमें हैवी वर्सेस लाइट ऑब्जेक्ट्स थे. जो हैवी ऑब्जेक्ट्स थे उनको टिक करना था, जो लाइट ऑब्जेक्ट्स थे उनको क्रॉस करना था. तो मैंने यहाँ पे 6 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बना दिए. लास्ट में रूही का नाम उर्वंशी और उसकी क्लास लिख दी और ये बॉर्डर बना दिया. तो ये चार्ट तो कम्प्लीट हो गया. अब इसका सेकेंड चार्ट हिंदी का है, मैं वो बना लेती हूँ. सो यार दिस इज द सेकेंड चार्ट दैट आई हैव मेड. इसमें बड़े आ की मात्रा वाले शब्द बनाने थे और उनके पिक्चर्स ड्रॉ करनी थी, तो ये भी बनाई दिया. ये ले रूही चार्ट बना दिए मैंने तेरे. थैंक यू दीदी. कैसे लगे? अच्छे. बस थैंक यू बोलना है. वेलकम. वेलकम तो मैं बोलूंगी. चॉकलेट खाऊंगी मैं. okay. कब खिलाएगी? अभी. अब वीडियो में आना चाहिए. चॉकलेट खा रही हूँ मैं, देख ले वरना सब कहेंगे रूही ने झूठ बोला. ठीक है मैं देखती हूँ रूही चॉकलेट ला के देती है. नहीं चल अब तू घर जा, चार्ट बना दिए तेरे, मैं भी ट्यूशन पढ़ा लेती हूँ तब तक. ठीक है बाय. मैंने डब्लू भैया के लिए वॉलेट खरीदा था. डब्लू भैया अपने जो पैसे है वो अपने पॉकेट में ही डाल के रखते थे, तो मैंने सोचा कि उनको एक वॉलेट गिफ्ट किया जाए. इसमें मैंने पैसे भी डाल दिए, तो ये डब्लू भैया को देते हैं, उसके बाद उनका रिएक्शन देखते हैं क्या होता है. डब्लू भैया ये क्या है? बस लेना. अच्छा चाहिए था आपको? अंदर क्या है? चाहिए था आपको पर्स? कहाँ रखोगे इसे? देख लो संभाल दिया भैया ने. तो हम के 5:30 हो गए. इस टाइम बहुत अच्छा मौसम हो रहा है यहाँ पे, तो एक दो काम करने हैं, मार्केट के सामान लेने हैं, डब्लू भैया की मेडिसिन लेनी है, मम्मी को घर का थोड़ा सामान ला के देना है. तो मैंने सोचा पहले तो मार्केट जा रहती हूँ, उसके बाद सिद्धांत आया हुआ है जैसे कि आपको पता ही है, शायद कल तक वो चला भी जाए, तो उसको जरा कुछ घुमा लाती हूँ. कल भी बोल रहा था कि कहीं लेके नहीं गए, तो कल तो आसपास ही गए थे, आपने देखा योगा लास्ट व्लॉग में, तो मैंने सोचा चलो उसको भी कहीं घुमा लाती हूँ, तो चलो चलते हैं. तो यार डब्लू भैया की दवाई ले ली है, अब यहाँ पे आरव भी मिल गया, शॉप पे ही था ये अपनी. आज इसने नई साइकिल लिया है ये देखो, और इसमें लिखवा भी लिया आरव. अच्छा जी कॉन्ग्रेचुलेशन बर्थडे का गिफ्ट, बर्थडे से पहले ही बहुत शौक है इसे बैडमिंटन का और साइकिल्स का है ना. तेरा नेवला कहाँ है? इसके पास एक डॉगी है, उसका नाम नेवला है. ये देखो ये तो काटने के लिए आ रहा है. ये देखो दवाई देने घर आए थे, पर थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो गई, बूंदाबांदी शुरू हो गई है. क्या हुआ? क्या हुआ? तो जाएंगे गाड़ी में चलेंगे, पापा घर ही है, देखते हैं. तो यार बारिश रुक गई है, तो मैंने सोचा जाते हैं फटाफट से जगी
लग रहा है कि मौसम वैसे ही है कि बारिश आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती, देखते हैं आती है या नहीं। फिलहाल तो अभी हम जा ही रहे हैं। अभी जाके सिटी सेंटर आ गए हैं। मौसम अच्छा ना तो काफी लोग, ज्यादा रश तो नहीं मैं कह सकती, पर देखो आप थोड़े थोड़े लोग है ही है। काफी मौसम अच्छा हो गया। मैं लास्ट टाइम अमन के साथ आई थी, मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि मैं इतने टाइम के बाद जग्गी आ रही हूँ, पर चलो अब तो आ ही गए हैं, कुछ खिलाते हैं इसको। फर्स्ट टाइम आया ये तो। मुझे मेरी फ्रेंड मिल गई है स्वाति, शादी में बस की जा नहीं पाई थी क्योंकि उस टाइम में धर्मशाला गई हुई थी, अब इसकी शादी थी, पर देखो कोइंसिडेंटली आज हम जग्गी में मिल गए हैं। वैसे तो मैं गुस्सा हूँ, ये मिलने नहीं आई मेरे से। मैं आपसे ज्यादा गुस्सा हूँ, आप शादी में नहीं आ रहे। नहीं मतलब मेरी तरफ को पता जाने की प्रॉब्लम थी, कोई बात नहीं, शादी की पार्टी लेंगे। कोइंसिडेंस में आ गए, बहुत अच्छा लगा। चल बैठते हैं, कोई बात नहीं, फिर से प्लान बनाते हैं, फिर हम मिलने बैठेंगे। ठीक है, देख ऐसा लग रहा है स्टैचू है, टच करके देखिए, हिल भी रहा है, हिल ही नहीं रहा बिल्कुल भी। ध्यान से उड़ गया। नहीं भाई स्टैचू नहीं है। उधर देखो कैमरा में, उधर देखो, आज फ्रेंड्स के साथ मीटिंग डे है, मेरी फ्रेंड नंदनी मिली है और उसकी बेटी है। अच्छा बाय तो कर दे मासी को, चलो बाय, मैं जा रही हूँ, बाय तो कर दो, बाय बाय। तो है घर से निकल के कुछ दूर चल के हमारे पास जग्गी सिटी सेंटर है, यही जगह अंबाले में ऐसी जहाँ के थोड़ा अच्छा फील कर सकते हैं हम, मतलब कहाँ जाए हम बाले वाले तो एक यही तो जगह है जहाँ हम जा सकते हैं, तो यहाँ पे हम रोज ही आ जाते हैं। ऐसे कोई शॉपिंग तो करनी नहीं थी, तो अब खाने के लिए आए हैं। ये हमारे माशे जी नॉन वेज नहीं खाते हैं और सब्वे वगैरह मुझे इतना पसंद नहीं है, तो अब यहाँ पे हम आए हैं स्कूपी स्माइल में। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ट्राई किया हुआ, अच्छा होता है। तो अभी हमने यहाँ पे अपने लिए नूडल्स ऑर्डर करी है, पेरी पेरी फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर करे, कोल्ड ड्रिंक ली है। अभी अगर उससे पेट ना भरा तो हम कुछ और खा लेंगे, मेरा तो भर सकता है, इसका पता नहीं। मेरे फेवरेट नूडल्स भी ऑर्डर करे, सिद्धांत का फेवरेट कुछ भी नहीं है ना, तो सैड क्यों नहीं खाता, तूने खाता था, मैं खाता हूँ। हाँ खाता हूँ, ये तो कुछ भी खाता, कोई एक चीज नहीं होती ना खाता। नॉन वेज के लिए अच्छा सा नाम बताओ सोच के, जो हट एंड खाता रहता है उसको क्या बोलते हैं, मैंने तो ध्यान रखा है आप भी। चाहिए मेरे को, खा जाती हूँ, नहीं इतनी भूख लगी है सारा खा सकती हूँ, और ऑर्डर करना पड़ेगा, पक्की बात है। ऐसे कई बार होता है ना आंखें नहीं जलती, दिल रज जाता है, ऐसा ना ही हो तो अच्छा है, पर आज लग रहा है कि ऐसा होगा क्योंकि इस टाइम तो खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, मुंह में पानी आ रहा है लिटरली। फटाफट खा लेते हैं आज इसी दिन। प्राइस ये हमारी हाका नूडल्स, अरे चटनी चटनी और ये चटनी बना दूंगी, अरे मासी और ये शिवानी ऑन फ्लिक, कैसे बोलता तू, आराम से इतनी भी की जल्दी है, आपने खाना है तो जल्दी खा ली, बहुत जल्दी हो रही है आपको, देखो जब तू चैलेंज हार जाता ना तो वैसे बोलता है, ऑलरेडी तो मैं ही चैलेंज हार चुका था, तो जो कोई ना मासी ज्यादा ना खा जाए, कोई ना ये देखो मेरी कितनी थोड़ी है, और देखो तो इसका मतलब तो ये है कि मैं आराम से खा रही हूँ। कैसे यम्मी है ना, कहा था ना मुझे बोलते पता नहीं मासी अब कहा लेके जाओगे, कैसा होगा, देखा कहा था ना मिर्ची तो नहीं है इसको, तो हमारे घर के खाने में मिर्ची लगती है जबकि मुझे अपने घर का खाना तीखा लगता है, एक्चुअली मुझे तीखा और स्पाइसी पसंद है। अब पेट भर गया, क्यों और खा लो, खा सकती हूँ बट पेट भर गया, ये भी खा लो, ये सारा ये भी खा सकते हो आप, ये तो खा ही दियो, खा सकती हूँ मेरे को तो थोड़ा पेट भर गया, वैसे वो नहीं लग रहा है, अच्छा मैं तो खा ही तो रही हूँ, ये कोई चैलेंज थोड़ी है वैसे, चैलेंज होता तो फिर खाते ही जीतती, अच्छा अच्छा अपनी आखिरी सांस तक लड़ती जीतने के लिए, बिरयानी के लिए लड़ी थी आखिरी सांस तक, फिर भी आ रही है। आपकी आखिरी सांस कब है, जब मैं मरने की हालत हो जाएगी, वो कब है, हम वो थोड़ी हालत करूंगी, मैंने ही लेकर आना है, चला के खा पी लिया गाइस, मेरा पेट भर गया है, मेरा भी मतलब
मजा आ गया खा के, और घर के लिए पैक भी करा लिया। एक्चुअली क्या ना, हम दोनों का ऐसा है, हमें खुद ही थोड़ी थोड़ी देर के बाद भूख लग जाती है, तो हमने घर के लिए पैक करा लिया। अभी जाएंगे तो फिर भूख लग जाएगी, फिर यही सब खाने का मन करेगा। तो अपने लिए भी पैक करा लिया और घर वालों के लिए भी पैक करा लिया, ताकि अब वो ये ना कहें तुम तो खाए, तो इसलिए हमने एक्स्ट्रा पैक करवा लिया, अब घर जाके खाएंगे। आरब के लिए कल दे आऊंगा। भी आपके लिए लिया, कल सिद्धांत लिया घर आ रहे हैं ना, तो आपके लिए लेकर आएंगे। अभिनवन उसकी पार्टी जा रही है, देखो अभिनवन फैमिली आके ऑटो में जा रही है, सिटी से आ रहे थे अभी। अब हम थोड़ी देर में घर पहुंचने वाले हैं, जरा सा दूर है घर से, और अभी रास्ते में अभी और ही आ रहे थे, सारे ऑटो में थे, ये भी सिटी से आ रहे थे, शॉपिंग करने गए थे तो मिल गए थे। उल्लू भैया लो, आपके लिए लाई हूँ। पिज्जा खाओगे पहले, चाउमीन खाओगे? चलो, पसंद है ना चाउमीन? इधर देख के बोलो कौन लाया। भाई को बाहर तो लेके जा नहीं सकती थी, मेरे पीछे तो बैठता नहीं एक्टिवा पे। क्या हुआ? मजा आ गया। आज तो डब्लू भैया को भी मजा आ गया, बड़े दिन बाद फास्ट फूड खा रहे हैं ना। क्या हुआ, क्यों रो रहा था इतनी देर से, है बोल। अब खाना खा रहा है, अकेले ही दिया इसको, सबके साथ तो खाता नहीं ढंग से, मैंने कहा चलो अलग से देखे तो खा तो रहे मच्छर, तो इनको भी तो काटते होंगे मच्छर। गाइस अभी रात के 10:30 हो गए, अभी जस्ट मैंने डिनर किया, मैं वीडियो एडिट करने लगी हूँ, तो वीडियो एडिट करके सो जाऊंगी, सुबह फिर स्कूल भी जाना है। तो चलिए इस दिन को और इस वीडियो को दोनों को यहीं पे खत्म करते हैं, कल मिलते हैं नए दिन और नए वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।